Starting with the next part, it says an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram, find the position, size and nature of the image formed. Object ka length diya hua, that means height di hui hai, which is 5 cm. अब कितनी दूरी पे रखा हुआ है उसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर, तो यू की बात करी जा रही है, -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हमारी रेज जाके कहाँ पे मीट करती हैं, राइट साइड पे मीट करती है ना कन्वेक्स के केस में, तो इट वुड बी एफ एस पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. रे डायग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें वी फाइंड आउट करना पड़ेगा. वी कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव टू ऑब्वियसली यूज विच फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ताकि आप यू की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू पुट करो और आपको वी मिल जाए एफ एस 10. अब वी निकालना है ना, तो वी की वैल्यू माइनस से माइनस तो कट के पॉजिटिव हो गया, जब राइट साइड पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये -1/25. अब 25 और 10 का एलसीएम लोगे तो इट वुड बी 50. पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/50, विच इज वी एज 50/3 सेंटीमीटर. 50/3 का मतलब क्या है, 16.7 का सेंटीमीटर आ जाएगा. वी वी की वैल्यू आ गई आपकी. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एच डैश फाइंड आउट करना है. एच डैश कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है एच डैश ओवर एच किसके इक्विवेलेंट होता है, वी ओवर यू के, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले है ना दोनों. एच डैश की वैल्यू हमें नोन नहीं है, एच की वैल्यू हमें नोन है विच इज 5, वी की वैल्यू हमें नोन है विच इज 50/3, यू की वैल्यू हमें नोन है विच इज -25. तो 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 से 50 कैंसिल हो गए, 10 आ जाएगा. तो एच डैश हमारा कितना हो जाएगा, -10/3 सेंटीमीटर, विच इज -3.33 सेंटीमीटर. ठीक है, एच डैश आ गया हमारा. अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट इमेज इज इन्वर्टेड. इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, और कैसी होगी, डिमिनिस्ड होगी, क्योंकि साइज ऑफ इमेज कम आया एज कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का तो 5 था, आया कितना, 3.33. तो इसका मतलब इट वुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड. अगर आप इसका आप क्या क्रिएट करना चाहो, रे डायग्राम, तो रे डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, देयर वुड बी अ कन्वेक्स लेंस इन बिटवीन इट, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे. अब यहाँ पे u हमें कितना दिया हुआ था, 25, मार्क करोगे 25, ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, फोकल लेंथ कितनी थी, 10 थी, है ना, तो f1 हमारा हो गया 10 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 2f1 कितना होगा हमारा, इट वुड बी 20 ऑब्वियसली, और 20 के आगे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. ठीक है, रे हमारी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ पे मीट, मतलब मीट करने वाली है, दो रेस कहाँ पे हमारी मीट करेगी, एक तो ओ से जाएगी ना, सेंटर से गई, और दूसरी यहाँ से गई. तो ये हमारा क्या बनेगा, इमेज साइज. तो इमेज साइज की दूरी कितनी है, इट इज अबाउट 16.7 सेंटीमीटर. 6-7 कर दो इसको थोड़ा, ठीक है, 16.67 सेंटीमीटर, एंड इट विल बी बिटवीन f2 and 2f2. और कैसा होगा इमेज का नेचर, इट वुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, राइट. सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2.